if you want to pass, it's a 6 meter, and then it's a center line, the longer one. So if you have enough time, then you can use the center line. Otherwise, if you have to finish it the pass, you can use it. दोस्तों, मनोज नाथ हियर, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ जनरल इमरजेंसी के बारे में कि किस तरह से शिप पे जनरल इमरजेंसी ड्रिल होती है, और अगर ऐसी नौबत आ गई हमें शिप छोड़नी पड़ी तो हम किस चीज में जाएंगे। तो आज हम लाइव लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट करेंगे। मेरे को अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा कि किसी सेलर ने लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट करके आप लोगों को दिखाई होगी। तो ये वीडियो दो पार्ट में मैंने बनाई है। पहली में मैं लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट करूंगा, और देन सेकंड वन में उसी लाइफ राफ्ट को रीअसेंबल पैक करके नेक्स्ट टाइम के यूज करने के लायक बनाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग जहाज छोड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। लाइफ जैकेट में जैसी तरह से आप देख रहे होंगे हम लोगों को, उससे पहले हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि ये तीन लोग पानी में गिर गए थे, और ये अपनी ठंडे पानी ठंडा होने के कारण ये अपनी बॉडी टेम्परेचर लूज कर रहे हैं। तो उस लूज टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने इन्हें थर्मल प्रोटेक्टिव एड में डाला है। जो ये लाल कलर की पॉलिथीन में इन्हें डाला है, इसको कहते हैं थर्मल प्रोटेक्टिव एड, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जितना एक ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है और लोगों की जान बचाती है। Okay, so it's gonna be connected with a life raft, and it's gonna work once it go under 3 meters. So it, with pressure, the slope is cut down, the life rafts come upstream, and this pantal line, whatever the red one is, connected with this weakling. So once it got a pressure, the weakling broke, your life raft is inflated. That's a simple story. देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे खोल के We have this line. This is the forward bowsing line and aft bowsing line. Okay, in case we are doing a David launch life raft, we will be tying this to strong points to bulldog eyes. We have there, and that's gonna be a quick release. So if you want to pass, it's a six meter, and then it's a center line, the longer one. So if you have enough time, then you can use the painter line. Otherwise, if you have to finish it fast, you can use this. And make sure that you tie the container line, so container didn't go in the sea. So it's gonna be remain with the ship. Okay, now who gonna be open? Pull, keep pulling. अबे 6 meter का है वो.
तो दोस्तों आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट करते हैं, किस तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।